Hey guys, welcome. I welcome back to my YouTube channel Relate with Ruchi Khanna. So, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो या पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें चैनल को और बेल आइकन को हिट कर लें ताकि मेरे आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिले. सो आज की वीडियो हमारी होने वाली है स्किन केयर के ऊपर. लाइक बहुत सारे लोगों के मैसेज आते हैं, मैम हम मेकअप करते हैं हमारे पिंपल्स आ जाते हैं, हमारे मतलब रैशेज हो जाते हैं, तो वो सब क्यों होता है और उसको अवॉइड करने के लिए क्या करना है, वो सब हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में. सो लेट्स जंप इनटू द वीडियो. सबसे पहले जैसे आप देख रहे हो अभी मैंने मेकअप करके रखा हुआ है, तो अभी मैं मेकअप करूँगी मेरा रिमूव स्टेप बाय स्टेप. तो आपको ईच एंड एवरी स्टेप फॉलो करना है, वीडियो पूरा एंड तक देखना है, बिल्कुल स्किप नहीं करना है. स्किप करोगे तो इट्स योर लॉस गाइस, बिकॉज आपको पता नहीं चलेंगे सारे टिप्स अगर आप स्किप करते हो तो. सो अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे बालों को टाई कर लेंगे ऊपर, उसके बाद हम आगे. बाल मेरे हो चुके हैं टाई और अब हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं, अपनी ज्वेलरी लेंसेज एंड लैशेज निकालने वाले हैं. तो ज्वेलरी तो मतलब पता ही आप लोगों को कैसे निकालनी है, तो हम जल्दी से हमारी ज्वेलरी उतार लेंगे. मैं एक्चुअली ज़्यादा हैवी ज्वेलरी नहीं पहन सकती, तो ये थोड़े ज़्यादा मतलब हैवी थे, ये मैंने लोकल मार्केट से ही बाय किए थे, तो आपके भी लोकल मार्केट में ये मिल जाएंगे. अगर नहीं मिलेंगे तो आप मुझे इंस्टा पे DM कर सकते हो, जिसको भी ये चाहिए तो मैं उसको दिलवा दूँगी. अब मैं करूँगी मेरे लेंसेज रिमूव. तो लेंस अप्लाई कैसे करते हैं अगर आपको नहीं पता, तो वो मैंने डिटेल्ड वीडियो मेरे इंस्टाग्राम पे डाल रखा है, तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे जा कर के वो वीडियो देख सकते हो. और भी बहुत सारी वीडियोस मैं अपलोड करती रहती हूँ, तो आप वहाँ जा कर के चेकआउट कर सकते हो. तो लेंस का पूरा आपको ट्यूटोरियल वहाँ पर मिल जाएगा. अभी कैसे रिमूव करना है, मेरे को तो बहुत ईजिली मतलब आदत हो चुकी है लगाने की, रिमूव करने की, तो इट्स वेरी ईजी फॉर मी. तो आप देख सकते हो अपने ऐसे करके दोनों फिंगर्स लेनी है. इसके लिए अलग एप्लीकेटर टूल्स भी आते हैं, आप वो भी ले सकते हो, बट फिलहाल मैं अपनी फिंगर्स ही यूज़ कर रही हूँ. जस्ट ऐसे करके हो जाएगा, इट्स वेरी इजी. ओके, इजी ब्रीजी यू कैन से. सो हमारे लेंस भी हो चुके हैं रिमूव. और इस रिमूव करने के बाद लेंस को थोड़ा सा आप अपने सोल्यूशन से वॉश कर लो. आप कोई भी सोल्यूशन ले सकते हो, तो मेरे पास ये वाला सोल्यूशन है रीनू का, तो मैं अभी वॉश करके लेंसेज अपने थोड़ा सा मतलब सोल्यूशन बीच में डाल के लेंसेज रखूँगी. बिना सोल्यूशन के लेंसेज नहीं रखने हैं, एल्स वो ड्राई हो जाएंगे और ख़राब हो जाएंगे. तो लेंस के बीच में सोल्यूशन हमेशा, आपको पता ही होगा आई नो, बट फिर भी जिसको नहीं पता तो वो लेंस के बीच में सोल्यूशन हमेशा डाल के ही रखे. नाउ इट्स टर्न फॉर और आईलैशेज. तो आईलैशेज को कभी भी इस तरह से खींच के नहीं उतारना है, बिकॉज ये पेनफुल भी होता है और आपके जो ओरिजिनल लैश के हेयर होते हैं वो भी निकल सकते हैं, बिकॉज हमने ग्लू लगाया हुआ है, तो हम डायरेक्टली इसको खींचेंगे तो पेनफुल तो होगा ही है और हमारे जो खुद के हेयर है वो भी टूट सकते हैं. तो लैशेस कैसे रिमूव करने हैं आओ मैं बताती हूँ. पहले आपको चाहिए इस तरह के ईयरबड, और उसके बाद आपको चाहिए गार्नियर का या कोई भी आपके पास मेकअप रिमूवर, माइसेलर, वाटर, जो भी रहेगा वो. तो अभी हमने क्या करना है, इस तरह से हमारे ईयरबड पे इसको ले लेना है और उसके बाद हमें आईज क्लोज करके हमारे इस तरह से हमें इसको लगाना है. ये क्या करेगा, जो हमारी ग्लू जो होगी ना उसको थोड़ा मेल्ट कर देगा, ताकि हमारी आईलैश जो है वो बहुत इजीली निकल पाए. तो इस तरह से आपको करना है. आप देख सकते हो कि मेरी आईलैश ऑलरेडी निकल चुकी है, तो देखो कितना इजी है, मेरे को कोई पेन नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ. तो आप ये ट्राई कर सकते हो, इट्स अ वेरी क्विक हैक और काफ़ी अच्छा है, तो आप इसको ज़रूर ट्राई. सो गाइज अभी लैशेस निकल चुके हैं, अब मैंने यहाँ पे एक वाइप ले लिया है, उसके ऊपर मैं डालने वाली हूँ ये माइसेलर वाटर और अपना फेस पूरा क्लीन करने वाली हूँ. सो लेट्स डू इट. सो इस तरह से मैंने डाल दिया इस पर और अब मैं पूरा फेस इससे क्लीन कर लूँगी. देख सकते हो आप कितना क्विकली हो गया. जो भी मेरा प्रोडक्ट लगा हुआ है वो निकल जाएगा. सो इस तरह से हमें क्लीन कर लेना और हमारा फेस हो गया है बिल्कुल क्लीन. यहीं तक था मेरा स्किन केयर.
आई एम जस्ट जोकिंग गाइस. अगर आपको लगता है कि आपकी वेट वाइप के ऊपर आपका फाउंडेशन या आपका ब्लश, आपकी लिपस्टिक निकल चुकी है तो आपको फेस वॉश करने की ज़रूरत नहीं है. यहीं पे आप सबसे बड़ी मिस्टेक करते हो, बिकॉज सिर्फ या ऐसे ऐसे कर देने से हमारे जो पोर्स होते हैं ना स्किन के, हर किसी के फेस पे होते हैं. बहुत रेयर लोग होते हैं जिनके फेस पे कोई पोर्स नहीं होते, बट मैक्सिमम पोर्स होते ही होते हैं. तो उन पोर्स को क्लीन करना वेरी इंपॉर्टेंट. उन्हीं पोर्स में जब आपकी फाउंडेशन या आपका प्राइमर, कंसीलर कुछ भी रह जाता है, इसी वजह से आपको पिंपल्स आते हैं, मतलब स्किन का डिज़ास्टर हो जाता है. तो वो हमें नहीं करना है, हमें फेस को वॉश करना ही करना है. पहले आप इस तरह से अपने फेस में से प्रोडक्ट निकाल सकते हो एक्स्ट्रा, उसके बाद आपको लेना है कोई भी फेस वॉश जो भी आप यूज़ करते. तो करंटली मेरा फेवरेट फेस वॉश ये सिल्वर लिली का फेस वॉश है, नीम एंड टी ट्री का. ये मुझे PR में रिसीव हुआ था, तो मेरे पास अभी लिंक नहीं है इसका, अदरवाइज मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देती. सो सेकंड मैं ये क्लिंजर यूज़ करूँगी. मतलब ये मेरे लिए मतलब एक लाइफ सेविंग बोलते हैं जिसको, वो है मतलब वरदान है मेरे लिए ये, बिकॉज इसकी वजह से मेरा जो भी एक्सेस में प्रोडक्ट्स होता है वो जो भी मेरा एक्सेस में प्रोडक्ट होता है वो इतना अच्छे से निकलता है, इतना अच्छे से कि मतलब एक इतना सा भी तिनका तक, मतलब राई तो बहुत बड़ी होती है, मतलब इतना सा डॉट तक नहीं रहता फाउंडेशन का. इतने अच्छे से ये क्लीन करता है और ये चार्जेबल है, आप इसको कैरी कर सकते हो, कहीं भी लेके जा सकते हो. और ये मैंने लोकल मार्केट से बाई किया है. अगर आपको ये लेना है तो आप मेरे को DM कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, मैं आपको ये दिलवा दूँगी. ये ब्रिसल्स बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हैं, सो यू कैन यूज़ इट ऑन योर आइज ऑल्सो. आइज़ पर भी यूज़ कर सकते हो क्योंकि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है. और इसके साथ 3-4 ब्रशेस आते हैं, एक मसाजर वाला आता है, एक मेकअप रिमूवर वाला आता है और एक ये वॉशर वाला आता है. तो अभी हम यही यूज़ कर. तो अभी इसके नीचे एक बटन दिया रहेगा, आपको इसको ऑन करना है जस्ट, क्योंकि रोटेट करना स्टार्ट कर देगा. तो आपको इसको इस तरह से पूरे फेस पे अपने रोटेट करना है. अभी ये स्लो रोटेट कर रहा है, एक बार और दबाएंगे तो ये फास्ट हो जाएगा थोड़ा. तो इस तरह से आपको पूरा फेस अपना क्लीन कर लेना है, अच्छे से रोटेट करना है हर कॉर्नर पे. आप अपनी आईज और लिप्स पे भी कर सकते हो, बिकॉज जैसे मैंने कहा ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, सो इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अच्छे से कर सकते हो. तो मैं एक बार फेस वॉश करके आती हूँ. कि मतलब आप देख सकते हो कितना झाग ये बना चुका है. और अभी मैं मिलती हूँ आपको फेस वॉश करने के बाद. तो फेस कर लिया वॉश, आप देख सकते हो कि फेस कितना क्लियर लग रहा है. अब फेस वॉश करने के बाद मैं डाल रही हूँ मेरे आई ड्रॉप, क्योंकि मैंने लेंस पहने थे तो मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है लेंस पहनने के बाद, इसलिए मैं आई ड्रॉप रखती हूँ और आईज में डालती हूँ. तो अभी मैं आई ड्रॉप डालने वाली हूँ. ये थोड़े ना मतलब मुझे इरिटेट भी करते हैं, मतलब ये आई ड्रॉप कि थोड़ा तेज़ है, लाइक मुझे थोड़ी मिर्ची लगती है आँखों में, तो थोड़ा मतलब फेस ऐसे उसे बन सकता है. तो ट्राई करना है कि आपका जो भी आप डाल रहे हो सोल्यूशन, मतलब ये क्या बोलते हैं, आई ड्रॉप डाल रहे हो, ये आंसू की तरह बाहर ना आए, अंदर ही जाए आपकी, मतलब. तो आप थोड़ा सा अपनी आईज को रोटेट कर सकते हो. वैसे तो आपको लेट के डालने चाहिए आई ड्रॉप्स या थोड़े से पीछे होकर के, तो मैंने ऐसे ही डाल दिया अभी बिकॉज मैं अभी शूट कर रही हूँ. तो आई ड्रॉप्स डालने के बाद तो नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ प्लम गुडनेस का ग्रीन टी टोनर. ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मतलब मेरे को बहुत ज़्यादा सूट करता है ये. तो मैं इसको इस तरह से हाथ में ले लूँगी, इसकी स्प्रे में ही नहीं आता, इसका यही ड्रॉबैक है. तो इस तरह से पूरे फेस पे टैप टैप करके लगा दूँगी ताकि ये अच्छे से मेरे फेस में अंदर चला जाए, जो भी मेरे पोर्स वगैरह हैं उनमें ये अच्छे से चला जाए. तो इसको अच्छे से ऐसे ऐसे करना और वेट करना है इसके ड्राई होने का फॉर नेक्स्ट स्टेप. टोनर लगाना काफ़ी ज़रूरी है बिकॉज आपके जो भी पोर्स ओपन रहेंगे वो क्लोज हो जाएंगे, और ये काफ़ी अच्छा टोनर है और पोर्स के अंदर जाएगा तो स्किन हेल्दी रहेगी. तो इस तरह से आपको टोनर लगा लेना है अपने पूरे फेस पे अच्छे से. और इसकी खुशबू बहुत अच्छी खुशबू है इसकी. नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ ये एंटाइज का मॉइस्चराइज़र. ये मुझे PR में रिसीव हुआ था, बट ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा निकला और अभी ये ऑलमोस्ट फिनिश होने वाला है. तो एंटाइज नाम का ही पेज है इंस्टाग्राम पे, आप देख सकते हो. ये काफ़ी अच्छा था और इसकी खुशबू तो
बहुत ही ज़्यादा प्यारी है, मतलब मैं बता नहीं सकती इसकी खुशबू किसके साथ मैच करती है, बिकॉज डिफरेंट है कुछ तो, बट मुझे बहुत पसंद आया। आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट फिनिश ही हो गया, तो मैं सोच रही थी कि मैं अब उनसे ऑर्डर करूँगी। पहले उनने मुझे PR मतलब भेजा था, तो अब मैं एक बार उनसे वो अभी मैं इसको पूरे फेस पे लगा लूँगी, थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी ही लगाऊँगी मैं इस तरह से पूरे फेस पे लगा लेना है और अच्छे से मसाज कर लेनी है। फेस पे पहले अच्छे से मसाज कर लो, आप कोई भी मॉइस्चराइजर लगाओ, ज़रूरी नहीं है कि जो मैं आपको प्रोडक्ट दिखा रही हूँ आप वो लगाओ, अपनी स्किन के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट लगाओ और अच्छे से मसाज कर लो फेस पे, ताकि जो मॉइस्चराइजर है वो अच्छे से मर्ज हो जाए हमारी स्किन में, इस तरह से अपवर्ड स्ट्रोक्स में मसाज करो, काफ़ी अच्छे तरीके से मसाज कर लो। मैं यूज़ कर रही हूँ ये जार्ड रोलर, ये भी मैंने लोकली बाय किया है, बट ये ओरिजिनल मार्बल का यूज़ हुआ है इसमें। आप कहीं से भी ऑर्डर करते हो मतलब, तो मे भी ऑथेंटिक आ जाते हैं, नाइका वगैरह से करोगे बट इतना ओरिजिनल मिलता नहीं है, बट ये प्योर मेरे को मार्बल में मिला है, तो थैंक यू सो मच जहाँ से भी मैंने ये लिया उनको। अगर आप लोगों को भी चाहिए या आप लेना चाहते हो, सो यू कैन टेल मी एज आई टोल्ड यू ऑन इंस्टाग्राम। तो इसको हमने थोड़ा अपने फेस को रिलैक्स करने के लिए मसाज करना है इसके साथ, बिकॉज अभी हमने बहुत कुछ हमारे फेस के साथ किया है, मेकअप वॉश सब कुछ, तो अब स्किन को थोड़ा सा आराम देना है हमने। तो इस तरह से अपवर्ड मोशन में आप इसको यूज करेंगे। अच्छे से यूज करना है इसको, बहुत ज़्यादा दबाना नहीं है और बहुत ज़्यादा लाइटली भी ऐसे नहीं करना है, थोड़ा सा इसको दबाना है बट बहुत ज़्यादा भी नहीं, इस तरह से आपको करना है यूज़ इसको। आइज़ के लिए छोटी साइड है, तो आप इसको अच्छे से आइज़ पे रोटेट करो, थोड़ा रिलैक्सेशन होगा, काफ़ी थोड़ा रिलैक्सेशन मिलेगा आपको। तो इस तरह से आप आइज़ पर भी रोटेट कर लो इसको अच्छे से, देन फोरहेड पे इस तरह से अच्छे से इसको कर लेना है, मतलब अच्छे से मसाज दे देनी है। सो अभी लास्ट स्टेप जो हम करने वाले हैं वो है हमारे लिप्स के लिए। आपके पास जो भी लिप बाम है, जो भी आप वो यूज़ कर लो, तो मैं अभी यूज़ कर रही हूँ निव्या का ये वाला, ये मुझे बहुत पसंद है, तो इसको मैं यूज़ करने वाली हूँ। ये थोड़ा ना सही कैंडी टाइप, मिंट टाइप कुछ इसका फ्लेवर है, तो मुझे बहुत पसंद है ये, तो ये मैं यूज़ करने वाली हूँ लिप्स के लिए। तो पूरा हमारा स्किन केयर हो गया है, तो आप देख सकते हो मेरा फेस ग्लो कर रहा है पूरे स्किन केयर के बाद ही। तो मेक श्योर कि आप भी अगर मेकअप करते हो तो इसी तरह से पूरा स्किन केयर अपना कर लें, बहुत बड़ी बात, मतलब बहुत बड़ा स्किन केयर नहीं है, बिल्कुल छोटू सा है, हर कोई कर सकता है, तो आप भी कर लें अच्छे से अपना स्किन केयर, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको फिर मेकअप करने के बाद अगर आप इस तरह से अपना पूरा स्किन केयर करते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को हिट करना और आने वाली वीडियो की वेट करना।